अभी ये गई एक और गाड़ी। ओए ओए ओए, आराम से। रुक जाएगी। रुक गई। स्लिप हो गई। रोको। कार के बंदे नाच रहे हैं, कार आगे हो गई, लेकिन ये बीच रोड पे रोक के नाच रहे हैं। और ये देखो हमारी कार के, तब इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाँ, अच्छी लग रही है। और भाई साहब ऐसे उसमें लड़ाई हो गई। मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और शाम की शुरुआत आप लोगों के साथ। और अभी हूँ मैं सोलंग वैली में, जो कि मुश्किल से 5-7 किलोमीटर है ऊपर मनाली से। और इधर मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, देखोगे तो इधर बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। हमने सोचा थोड़ा ऊपर आकर होटल ले ले, लेकिन होटल लेने के चक्कर में इस ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि बहुत क्राउड है, काफी लोग इधर आए हुए हैं। इधर देखो कितने लोग, अभी तो सब जाने लगे हैं इसलिए ट्रैफिक हो गया, लेकिन सब यहाँ बर्फ के मजे ले रहे हैं, खेल रहे हैं। और इधर काफी एक्टिविटीज हैं जो होती हैं, तो काफी अच्छा नजारा है, काफी मजा आ रहा है। और पूरा स्नो से ढका हुआ पूरा। 5 किलोमीटर पहले बिल्कुल बर्फ नहीं थी, और यहाँ देखो कितनी बर्फ है, और बिल्कुल व्हाइट है, ये ऐसा लग रहा है शाम को ही पड़ी है। और अभी मैंने 2-3 बंदों से बात की, तो उन्होंने बताया कि वेदर खराब है, मतलब आज स्नो होगी तो हमें लाइव स्नो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सबसे पहले टास्क होटल लेना ही है, क्योंकि होटल ही समझ नहीं आ रहा। पहले तो इस ट्रैफिक से निकले, जब होटल लें। ओए होए, लेकिन अगर कहीं जन्नत है ना, तो वो कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल। मेरे को तो इन 3 जगह जन्नत मिल जाती है आकर। और ये देखो रोड पर पूरी, इधर से पूरा इधर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। अब हम सोच रहे हैं तो कार मोड़ लें, मोड़ कर नीचे ले जाकर ही होटल ले लें, क्योंकि होटल के चांसेस नहीं लग रहे। ऊपर से अभी टाइम जो हो गया 5:15 हो गए, तो अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो फिर तो हमें और होटल नहीं मिलेंगे। और ऊपर देखो ऐसी ठंड में भी क्या चल रहा है भाई साहब, कुल्फी जम गई होगी इस बंदे की, क्योंकि मैंने एक बार किया था और उस टाइम स्नो हो रही थी, स्नो में किया था तो हालत खराब हो गई थी मेरी, तो मुंह पे जो स्नो पड़ रही थी ना, रील्स देखना इंस्टा पे बनाई थी, बहुत हालत खराब हो गई थी। नीचे उतरने के बाद पूरी बॉडी सुनती मेरी। और बात ट्रैफिक है, तो मैंने मनोज को कहा तुम कार चलाओ, मैं नीचे आसपास इतने होटल देख लेता हूँ। और ये देखो बाइक है, ये पल्सर पूरी बर्फ में घुस हुई है, पूरी बाइक बर्फ के अंदर है। और ऐसे ये ट्रैक्टर है, इसके ऊपर पूरी जो बर्फ में फुल हो गई है। और अब सर्दी भी लगने लगी है। कार में थे ठीक थे, कार से निकला 10-15 मिनट में हाथ सुन हो गया। अब होटल मिल जाए बस, और होटल भी इधर ज़्यादा नहीं है, 8-10 होटल हैं, अगर इसमें मिल गया ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेंगे, यही लाइन से होटल हैं। मेरे पीछे जो होटल है इसमें रूम पता किया नहीं है, एक साइड में इधर होटल है उसमें पता किया नहीं है, और रूम भी नहीं मिल रहे हैं इधर। तो 3 होटल में ट्राई कर लिया है, अब 2-3 में और करूँगा, नहीं तो फिर वापस ही मनाली जाना पड़ेगा। और होटल तो मिला नहीं, लेकिन होटल ढूंढते ऊपर आया और स्नो हो गई है, लाइव स्नो हो गई है। अब पता नहीं कैमरे में दिख रही होगी नहीं होगी, लेकिन लाइव स्नो है देखो। और अब अंधेरा होने वाला भी है और होटल नहीं मिला, तो कार में ही सोना पड़ेगा आज। मनोज मैं 2 बंदे सो जाएंगे वैसे आराम से, लेकिन हालत खराब हो जाएगी। इसमें क्या है ना, इसकी पीछे की दोनों सीट फोल्ड कर दो ना, तो गद्दा बन जाता है, हमारा काम तो चल जाएगा। देखो नज़ारा क्या प्यारा लग रहा है, और बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है मुँह पर। बस ये ट्रैफिक खुल जाए ना, ये ट्रैफिक नहीं खुल के दे रहा, और इसमें हमारी कार फंसी हुई है। और होटल मिले जब ही, जब ये कार, और अब स्नो हो गई ना, तो और लंबा ट्रैफिक लगेगा। ये गजब गजब नज़ारा भाई, गजब नज़ारा। ऐसे ही एंटर किया वैसे ही हमें स्नो मिल गई, अभी आए हुए हमें 1 घंटा होगा मुश्किल से, और स्नो मिल गई। जैसे स्नो ही है ना, उस हिसाब से अब रूम के सबके प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि पता है कि शाम को कहाँ जाकर ठहरेंगे, मिलना तो मुश्किल है रूम। साहब हाथ पैरों पे जो ठंडी ठंडी स्नो आकर रुक रही है ना, देखना स्नो, देखो स्नो देखनी थे ना, तो मैं पहले दिन ही देख ली। भाई साहब देखो, और ऐसे ही 2-3 घंटे पड़ी ना, पूरा रास्ता पैक हो जाएगा, फिर हम हिल भी नहीं पाएंगे। और भाई साहब ऐसे उसमें लड़ाई हो गई, हम तो स्नो के मजे ले रहे थे, इधर लड़ाई हो गई। भाई साहब हेलमेटों से मारा इस बंदे को, चलो इधर लेके लो, इधर आराम से चलो, निकल गई चलो। यहाँ तो इसका फायदा है, ये स्लिप नहीं होती, 4x4 मस्त चलाए जाओ। कार तो अच्छी की स्लिप हो रही है, और हमने इसलिए यू टर्न ले लिया, हमने तो मोड़ ली कार। हाँ जी हाँ, अच्छी लग रही है, थैंक यू। किसको, हम तो निकाल ही रहे हैं, चलो चलो आ जाओ, चलो बस वहीं रोके रख। हो हाथ सुन हो गए, और गंदे वाली बर्फ हो गई, और ट्रैफिक और गंदे वाला लग गया, क्योंकि यहाँ रोके रखो 2 लाइन हो गई है, एक वो और एक इधर ATV की, और ये लोकल है भाई, ये तो सुनते भी नहीं किसी की। हम तो वापस का ही प्लान कर रहे हैं कि वापस निकल जाएं, नीचे ही मिलेंगे होटल। आ जाओ आ गई,
भाई साहब क्या लग रही है ना, ब्लैक कार और ऊपर से बर्फ पड़ रही है, स्नो पड़ रही है। आ जाओ सीधी ले आओ, अगर हमें पार्किंग मिल जाए ना हम आधा एक घंटा रुके, लेकिन कार लगाने की जगह ही नहीं मिल रही है कहीं कहीं भी। पार्किंग की जगह मिल जाए ना पार्क कर लो, मजे लेंगे यहीं आधे घंटे, और होटल ढूंढेंगे, नहीं मिला नीचे तो मिल ही जाएगा। चलो ले लो, चलो चलो, नहीं 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 आगे। और भाई ये सुबह आए थे कार लगा दी और अब ये फंस गई, ये कार देखो स्लिप हो रही है, इसने ले तो गया इधर और इधर जाके पूरी यहाँ से लेके ना पूरी वहां तक स्लिप होकर गई है। बाकी असली मजे तो इधर वाले लोग ही ले रहे हैं, पूरा स्नो हो रही है और उधर देखो झूला झूल रहे हैं सारे, ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो देखो तक है ना। लोग जैसे सुबह आते हैं शाम तक, इस टाइम तक एडवेंचर करते हैं, घूमते फिरते हैं, इस टाइम वापिस जाते हैं, तो जितनी कार वापिस जा रही है एक साथ जा रही है, इस वजह से ट्रैफिक लग रहा है, ऊपर से स्नो हो गई तो और ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। और ये देखो ये तो फंसी गई, जब इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी यू टर्न लेने के लिए यहाँ पर लेकर, लेकिन लोगों ने हेल्प कर करके कार निकाल दी है। मैं भी अभी धक्का मार गया, मेरी तो सांस फूल गई, मैं हट गया और अभी भी नहीं निकल पा रही पूरी अच्छे से, तो क्योंकि पहले ही वो ब्लैक आईज है, ब्लैक आईज में हो गए तो फंसेगी। ये देखो 3 2 1 कितने रुपए भैया इसके, इसके कितने रुपए, 100 रुपए। और नीचे से वापिस कैसे आएंगे, उधर से आते हैं। अच्छा चल के आना पड़ेगा, ये तो बड़ा दुखी काम है। चलो चलो चलो, निकल गई अब तो, निकल गई। मुझे देखो ठंड के मारे मैंने फेस को कवर कर लिया है, ऊपर कैप पहन लिया है, और इस भाई को देखो, इस भाई को नहीं लग रही ठंड। क्या बात है भाई, असली फौलाद तो आप ही हो, बटन वटन खोल के सही, ठंड नहीं है बिल्कुल। रोहतक के शेर, हरियाणा के शेर है। आराम से चलो, आराम से चलो। मनोज भी आ गया है और स्नो रुक नहीं रही है, अब हम कार पार्क कर दिए, अब कार की तो टेंशन नहीं है, अब रूम की टेंशन है, बस रूम मिल जाए, और नहीं मिला तो आखिरी तो है ही नीचे मनाली, और पता है शाम को वहां भी दिक्कत होगी मनाली में। स्नो देखो कैमरे में पता ही नहीं चल रहा है, वैसे बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज। लाइट में देखो, लाइट में आपको पता चलेगा, ये देखो। चलो नीचे, अरे आराम से आराम से, अभी हो जाता काम। स्नो और ज्यादा तेज हो गई है, और ज्यादा फास्ट हो गई है, और होटल हमने ट्राई कर दिया, हमें नहीं मिला। सामने एक कार की लाइट जल हुई है, वीडियो बनाकर आपको बता दूं, अब नीचे ही चले ना। हाँ हाँ नीचे चलना है। और स्नो देखो लाइट में दिखेगी आपको असली, आ रहा मजा, मजा आ रहा है, लेकिन अंधेरा हो गया लेकिन गजब। चलो चलो, कैमरे में भी बर्फ ला गई भाई, तेज होती जा रही है, तेज तेज होती जा रही है, तेज कितनी तेज हो रही है, ज्यादा घूमेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। और ये देखो हमारी कार के रूफ पर भी पूरी बर्फ बर्फ हो गई है, कार पे पूरी बर्फ ही बर्फ हो गई। आज तो गंदे वाले ट्रैफिक में फंस गए हैं, पूरा ट्रैफिक इसे, और बहुत टाइम हो गया मैं इस ट्रैफिक में, लोग कार रोक रोक के बस डांस किए जा रहे हैं देखो, क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ट्रैफिक खुले जब आगे जाए ना। स्नो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है देखो, और इस कार के बंदे नाच रहे हैं, कार आगे हो गई लेकिन ये बीच रोड पे रोक के नाच रहे हैं, और स्नो का असली देखो कैमरे पे भी स्नो आ गई है। और अब मैं कार में आके बैठ गया हूँ, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड लग रहा था, हाथ सुन हो गए थे, तो यहाँ पर हीटर चला दिया है मैंने, और बाहर का देखो अभी भी बारिश में, और वो लड़के तो अभी भी डांस ही कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे कैसे कर लेते हैं ये, शायद रम वम लगा के होता है, नहीं ये दारू का नशा, इन्हें सुबह पता चलेगा इनको, ड्रिंक कर रही है, और सबसे बड़ी बात है ज्यादा दूर की भी नहीं, दिल्ली की है, और टेम्परेचर ऐसा है ना कि हालत खराब हो रही है, ऐसा टेम्परेचर है, और इसमें मुश्किल से आप 15-20 मिनट बाहर रह सकते हो, और ये बंदे आधे पौने घंटे से बस डांस ही डांस कर रहे हैं। और अभी का सीन ये है, यहाँ पे सारी कार स्लिप हो रही है, देखो ये पूरी स्लिप हो रही है, और आगे ना कारें ठुक गई हैं आपस में सारी, यहाँ से स्लिप होते हुए जा रही है, ब्लैक आईज हो गई है पूरी, और आगे स्लिप होकर पूरी इस कार ठुक रही है। देखो उधर से जितनी कार आ रही है ना वो स्लिप होते हुए आ रही है, पहले ये स्विफ्ट ठुकी, फिर ये देख रहे हो ये ठुकी है इनोवा में, और उधर इनोवा, अंधेरे में दिख नहीं रहोगे लेकिन सारी ठुका ठाक सारी ठुकी है, और ये इनोवा इसमें। चलो चलो जिप्सी तो निकल जाएगी, चलो चलो चलो, स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है, स्लिप 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 हो गई, रोको रोको रोको, ब्रेक छोड़ दो, ओए ओए ओए, गई भाई ये गई, ये वैन में गई, वैन में गई, ये गई एक और गाड़ी, ये गई एक और गाड़ी, ओए ओए ओए, आराम से आराम से, रुक जाएगी रुक जाएगी, रुक गई रुक गई रुक गई, ओए ओए ओए। और अभी का सीन ये है, सोलन वैली में जहाँ पर हम अभी फंसे हुए थे ना, वहाँ इतना तगड़ा गंद मच गया, मतलब हर कार बिना ठुके नहीं जा रही, और फिर भी लोग पता नहीं क्यों ले जा रहे, और एक स्विफ्ट तो ऐसे चक्री बनी, ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया, गाड़ी जा रही थी ठुक रही थी, तो हमने तो रिस्क नहीं लिया, हमने सोचा वहीं कार पार्क करते हैं और होटल ढूंढते हैं, तो वहीं पर कार पार्क किया, फिर एक होटल मिल गया, इसमें एक ही रूम था, वो भी नीचे का ये थोड़ा, तो हमने कहा जो भी भाई दे दो, रात गुजर जाए सुबह देखेंगे क्या होगा, तो फिलहाल ये रूम ले लिया है, और इस रूम से नजारा दिखाऊं आपको, खुल नहीं रहा है, खुलिए खुलिए,
और नजारा देख लो, अभी भी स्नो हो रही है और पूरा देखो पूरी बर्फ जम गई है। तो सुबह दिखाऊंगा यहाँ से क्या व्यू आएगा। अभी हम तो बस खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे क्योंकि सुन हो गया वहां पे बर्फ में ना खड़े 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 खड़े। और पहली बार लाइफ में ऐसे कारों को ऐसे होते हुए देखा है, घूमते हुए बंदा रोकना चाह रहा है। और एक कार थी स्विफ्ट पंजाब नंबर, उससे मैंने कहा भाई मतलब स्विफ्ट नहीं जाएगी। उसने लेने लगा तो मैंने कहा सात वाले उतार दो, लड़कियां थी तीन, मैंने उनको उतार दो फिर जाओ। उसने उतार दिया और फिर जो वो घूमी है और घूमी तो लड़कियां पीछे भाग रही है जैसे रोक लेंगी उसे चिल्ला चिल्ला कर, वो स्लिप होकर लड़के ही गिर गई वहां पर। वीडियो बनाई आपने? वीडियो मैंने एक दो बनाई फिर उसी में लग गया मैं देखने में करने में हेल्प करने में थोड़ा। हाँ एक हेक्टर थी हमसे पहले वही थी, हमारा नंबर था बिल्कुल निकालने का, पुलिस वालों ने कहा निकालो। मैंने इससे कहा भाई साइड में लगा, पहले साइड में लगाई कहा ले रहो, मैंने इससे कहा साइड में रोको खेचो हैंड ब्रेक और निकलो अपना यहाँ से, बैग लो कार देखी जाएगी कल की कल जो होगा, अभी फिलहाल निकलो यहाँ से। चलो खाना खाने चलते हैं, ठंड लग रही है और यहाँ पे अब ठंड इतनी लग रही है कि हालत खराब हो गई है, इसलिए हमने पहले फिश ऑर्डर करी है और मेन कोर्स में हांडी चिकन बिरयानी रोटी और एक और सब्जी कौन सी थी वो मंगाई है। और यहाँ अभी भी स्नो हो रही है, अभी यहाँ अंधेरा है, नीचे चल के दिखाऊंगा, मतलब ये बिल्कुल टेरिस पे है रेस्टोरेंट। चलिए जी अपनी बिरयानी रोटी सब्जी हमने खा ली है और स्नो अभी भी हो रही है और बहुत तेज हो रही है। ये देखो कितनी तेज स्नो हो रही है, कैमरे में उतना नहीं पता चल रहा यार जितना है ना ये लाइफ। ये देखो आप दिख रहा होगा पूरी बर्फ हो रही है पूरी, और ये देखो अच्छी खासी बर्फ इधर जम गई है। ये देखो हालत खराब हो गई है, ये देखो अभी हमने टेम्परेचर चेक कर रहा था कितना था बता दो। और मजा आ रहा है लेकिन, और टेम्परेचर -5 है, ये देखो टेम्परेचर -6 है अभी यहाँ पर -6 में, सोचो हमारी हालत कैसी हो रही होगी। और होटल वाले भैया बोल रहे हैं कि अभी ये आराम से 10-12 रात को 2-3 बजे तक जाएगा ही जाएगा, है नी। हाँ सुने बिल्कुल, देखो लाल दिख रहे होंगे पूरे, जरूरी नहीं कि -15 तक भी पहुंच जाए। तो आगे भाई साहब अब बस बेड में घुस के बेड गरम रखना है और अपने आप को गरम रखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल हम क्या करेंगे। अब बर्फ यहाँ से कम होगी तो देखते हैं और कहीं जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर थोड़े एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू बाय टाटा सी यू।